23 दिसंबर को मनावर में निकली शौर्य यात्रा में शांति व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब मनावर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज राजस्व विभाग के साथ में मनावर पुलिस ने उपद्रवियों के घरों को नस्तो नाबूद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं कार्यवाही के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी मिले। वहीं आपको बता दें कि अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार मनावर पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को यात्रा में उपद्रवियों ने पथराव किया था, जिसके बाद में शांति व्यवस्था भंग हो गई थी। इस कार्यवाही के दौरान देवेंद्र पाटीदार, SDM शिवांगी जोशी, SDOP धीरज गब्बर और कई थानों के TI और पूरा पुलिस फोर्स नगर पालिका का अमला मौजूद है। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। एक सर सर आवाज आएगी। सर ये आज कार्रवाई हुई है, सर किस तरह की क्या है सर? जैसा कि आपको पता है, मनावर में 2 दिवस पूर्व एक तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। एक जुलूस निकल गया था कि उनसे अलग हट के सिंगाना रोड के ऊपर आने जाने वाले सामान्य जो लोग हैं, जनता के लोग, उनके साथ में मार पिटाई और अशांति की स्थिति उत्पन्न की गई थी। पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से एक्शन में आके सारी स्थिति को नियंत्रण किया था, किंतु कुछ लोगों के साथ, जैसे कि कुशवा परिवार है और आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों के अंदर भी तोड़फोड़ की गई थी, उन सब में पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और उसी कड़ी में जिन जिन आरोपियों के नाम आए हैं और जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनके बाकी की अवैध गतिविधियों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। उसमें ये जो मकान है खलील खत्री का, इसमें भी जो उपद्रवी थे वो इसी में निवास करते थे और इनके द्वारा रोड के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी और यहाँ पर एक सामने का मकान है उस पर भी पत्थरबाजी की गई थी। इस मकान के सारे दस्तावेजों को देखा गया तो पूरा मकान अवैध था, कृषि भूमि पर बना था, कहीं कोई परमिशन नहीं थी, ना किसी तरह का डायवर्शन था। तो पुलिस प्रशासन नगर पालिका की एक संयुक्त कार्रवाई के तहत SP सर और कलेक्टर सर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये करीब 25 से 30 लाख की लागत का जो मकान है, जब इस मकान की ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई, उस दौरान इसके जो सामान को तलाशा तो काफ़ी हथियार बरामद हुए, जिसमें करीब 4-5 तलवारें हैं और कुल्हाड़ी है, गुत्ती है, इस तरह के हथियारों की यहाँ पर जखीरा मिला है, उनको भी जब्त किया गया और मकान को खाली करके विधिवत नियमानुसार इसको ध्वस्त किया गया। सर और भी कितने मकानों पर सर कार्रवाई होगी? नहीं, इसमें बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, शहर की शांति को भंग करता है और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में, और अगर उसके कोई अवैध निर्माण हैं तो उस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। और ये बाकी सब लोगों के लिए कि अगर आपके पास कोई इस तरह के लोग हैं तो उसकी सूचना दें और किसी भी अशांति की गतिविधि में उनको सम्मिलित न हो, नहीं तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए। सर मनारवासियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस और प्रशासन के द्वारा बहुत ही कानून व्यवस्था के साथ में करने के दौरान आपसे सहयोग की उम्मीद है। अगर किंतु कोई असहयोग करता है तो पुलिस और प्रशासन कानून के अनुसार कार्य करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।